टन इसी बैग में डाल देती हूं मैं, कागज है। तो दोस्तों मैं पिछले 10 दिन से किडनी स्टोन से पीड़ित हूँ, जिसमें मेरे रह रहे केवल दर्द उठ रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा असहनीय होता है। पिछले 10 दिन में मैं लगभग 7 अस्पतालों को विजिट कर चुका हूँ, 7-8 डॉक्टरों से मिल चुका हूँ और इस दौरान मुझे करीब 10-12-15 इंजेक्शन लग चुके हैं। तो आखिर में थक हार के मुझे इसके ऑपरेशन के लिए सोचना पड़ा और ये डिसीजन मैंने लिया है। आज इस किडनी स्टोन का ऑपरेशन होने जा रहा है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। लोगों को क्या कई भ्रांतियाँ किडनी स्टोन के बारे में, वो मेरे को अब समझ में आई जब मैंने उसका सोनोग्राफी देखी ना, तो मेरे को कई चीज़ क्लियर हुई कि किडनी स्टोन बेसिकली क्या है। क्या स्टोन है ठीक है, बट उसके पीछे का जो विज्ञान है वो बहुत सिंपल, और मानो तो बहुत सिंपल है, लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि जब स्टोन होगा तब दिखेगा, इसके पीछे थोड़ा लगे। जैसे मैं आपको बताऊँ कैसे समझ में आएगा, आपने कई चैनल में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में किसी को गुफाएं होती है, उनमें पानी टपकता है और वो टपकता हुआ पानी एक सफ़ेद वो बनाता है, एक ऊपर से लकीरें जो आर्टिस्टिक है ना, जिसे जिसके ऊपर वो गिरता है वो भी एक शिवलिंग टाइप का बनाता है। तो ऊपर से जब पानी गिरता हुआ जो सफ़ेद लंबे लंबे वो धारीदार वो तलवार जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, तो किडनी स्टोन बनने की जो शुरुआत है वैसे होती है, यानी कि वो बाकी वहाँ से टूट के जब गिरता है तब आपको एक टुकड़ा दिखाई देता है। नहीं तो ये मान लो कि 100% लोगों में किडनी स्टोन बनता है 100%, वो बात ये है कि वो वहाँ से छूट के नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है बात इस पर है। अगर वो भारी हो जाता है बड़ा हो जाता है तो वहाँ से टूट के गिर जाएगा, और अगर छोटा रहता तो वहीं रहेगा, और या आपने जैसे खट्टा पानी ये सब पिया तो वो वहाँ से धीरे धीरे गलता रहेगा वो। बट किडनी स्टोन अलग से ऐसे अचानक से प्रकट नहीं होता है, वो एक कंटिन्यूअस हिस्सा है, प्रोसेस बहुत, जैसे मूंगे होते हैं समुद्र में, मूंगे एकदम से नहीं बनते, वो एक के ऊपर परत चढ़ती जाती है, जैसे बाथरूम में टाइल में मतलब वो सॉल्ट जमता जाता, एक बार वो बहुत मोटी परत हो जाती है, तो वो धीरे धीरे जमना शुरू होता है, तो ऐसा करके वो, तो ये तो इस हिसाब से तो किडनी स्टोन हर आदमी को है। बात ये कि टूट के गिर रहा है कि नहीं गिर रहा उस जगह, यानी कि अगर आप जैसे खट्टी चीज़ें ये सब खाते रहें, पानी ज़्यादा पीते रहें, तो वो जो स्टोन जो किडनी से लटक रहा है वो घिसते घिसते किनारे से कम हो जाएगा, लेकिन वो कभी बंद नहीं हुआ। जिस दिन आपने पानी पीना बंद किया, खट्टी चीज़ें खानी बंद की, वो फिर से पनपने लगेगा। तो हर आदमी को करीब जब उम्र हो जाए 40-45 साल, तो साल में एक बार 500-600 रुपये की सोनोग्राफी होती है वो करा लेनी चाहिए, नहीं तो 50-60 हज़ार रुपये के अंदर आ जाएगा 2-4-5 साल में, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है उसका। ये चीज़ें क्या है, मुझे जब मैंने ये सारी सोनोग्राफी देखी तब मुझे इसका एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर दी। तो ये मेरा वो है, फिर मिलेंगे।